हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं ड्रम्स ऑफ हेवन। इसके लिए मैंने 1/2 kg चिकन लॉलीपॉप लिए हैं। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 teaspoon विनेगर, 1 teaspoon सोया सॉस, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 अंडा, 3/4 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है, सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 3 tablespoon मैदा, 1.5 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें मैं पिंच ऑफ तंदूरी रेड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर लूँगी। अगर आपके पास समय है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हो। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम सभी लॉलीपॉप्स फ्राई कर लेंगे। लॉलीपॉप्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हो। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी लॉलीपॉप्स भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। मैंने 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर को 1/4 cup पानी में डिसॉल्व किया है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। लॉलीपॉप्स भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम आगे की तैयारी करेंगे। एक बाउल में मैं सभी सॉसेस को कलेक्ट करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 teaspoon सोया सॉस, 1 tablespoon टोमेटो सॉस, 2 tablespoon शेजवान सॉस ऐड करेंगे, 1 teaspoon चिली सॉस ऐड करेंगे। इस तरह का एक मैगी क्यूब मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रखा है। इसमें मैं 2 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें लॉलीपॉप्स को मैंने फ्राई किया है, वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 tablespoon चॉप जिंजर एंड गार्लिक। जिंजर गार्लिक को हमें चॉप ही करना है। इसको हम सॉटे कर लेंगे। जिंजर गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस जो हमने कलेक्ट किए हैं। सॉसेस में सॉल्ट है और चिकन के क्यूब में भी सॉल्ट होता है, इसके लिए सॉल्ट आप चेक करके ही ऐड करें। जस्ट एक पिंच में ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर है उसको हम स्टर करके ऐड करेंगे। इसको हम कुक कर लेंगे। ये अब कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चिकन लॉलीपॉप जो हमने फ्राई किए थे। अब ये मिक्सचर को हम लॉलीपॉप्स पर कोट कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंग अनियंस डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।